खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे मैं खाने की वीडियोस बनाते रहता हूँ, वो बड़ी वीडियो भी होते हैं और शॉर्ट वीडियो भी होते हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन खाओ बनाओ 96। आपके लिए आज मैं क्विक रेसिपी लेके आ रहा हूँ, जो खाओ बनाओ 96 आपके लिए मैं एक क्विक रेसिपी लेके आ रहा हूँ, जो की है खोपरे की चटनी। इंग्रेडिएंट में हम लोग के पास ये कुछ चीजें लगेंगी, ये दही है, खोपरा, कच्चा नारियल, 3-4 मिर्ची, थोड़ा सा उड़द का दाल, थोड़ा सा चना का दाल, थोड़ा सा जिंजर और ढेर सारे कड़ी पत्ते, और इसमें ऑयल लगेगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे बनाना है, हाथ में भी लग सकता है तो आप लोग को। ये देखिए नीट एंड क्लीन निकल चुके हैं। स्मॉल स्मॉल कट कर लेंगे, बड़ा स्मॉल स्मॉल कट कर लिया। और एक दिन ये इतना जो टुकड़ा है उसको हम लोगों को कद्दूकस करना है। ऐसे करके चटनी खाने में ऊपर की जो शेपिंग रहती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये हम लोग ने कद्दूकस कर लिया है। हम लोग को अभी मिक्सर में ग्रेट करना है, ये ग्रेट करना है, थोड़ा सा मिर्ची लेना है, थोड़ा सा जिंजर लेना है, और ये जो दाल है ये हम लोग को पहले रोस्ट कर लेना है तावे पे, उसके बाद थोड़ा सा दाल लेना है, और ये जो रहेगी वो फ्राई के टाइम में, हम लोग जब फ्राई करते हैं हमें तड़का लगाते हैं चटनी को, तब इसकी जो ज़रूरत रहेगी एंड कड़ी पत्ते की। तो हम आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। इसमें रेड मिर्ची भी आएगी, मैं आप लोगों को फ्राई करते समय बताता हूँ। हम लोग ने इसमें सबसे पहले हम लोगों को नारियल ऐड करना है, मिर्ची ऐड करना है, थोड़ा सा अदरक ऐड करना है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा चने की दाल ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने बोला आपको मैंने भून लिया है, और इसमें मैं 2 लहसुन भी ऐड कर दूँगा, और इसी स्टेज पे हम लोग को थोड़ी सी दही ऐड कर दूँगा। तो दही में 2 टीस्पून ऐड कर दूँगा इसमें, 1-2, और थोड़ा सा हम लोग को पानी ऐड करना है। और ये मिक्सर में ऐड करूँगा, ढक्कन लगाऊँगा और इसको मैं चालू करूँगा। तो हम लोग देख रहे हुए ये हल्का हल्का ये हो गया। अब इसमें हल्का सा वाटर ऐड करना है एंड नमक ऐड करने का है। हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग को इसको फिर से घुमाना है जिससे ये और अच्छे से इसको एक बार और मिक्स करेंगे और इसको फिर से एक बार अच्छे से, आपको भी ये स्टेज तक इसको ग्रेट करना है। अभी हम लोग फ्राई करने के लिए प्रोसेस में आएंगे, तो फ्राई करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मस्केट सीड चाहिए, थोड़ा सा उड़द का दाल चाहिए और लाल मिर्ची, हमारा प्यारा कड़ी पत्ता। तो चलो शुरू करते हैं। 1 टीस्पून हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम लोग मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उड़द के दाल को ऐड करेंगे, ये हम लोगों को स्लो फ्लेम पे थोड़े टाइम तक इसको भून लेना है। रेड मिर्ची ऐड कर देंगे, तीखी वाली मिर्ची नहीं है दोस्तों ये, एंड इसके बाद हम लोगों को कड़ी पत्ते ऐड कर देना है।
हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर देना है कड़ी पत्ते को। इसके बाद हम लोगों को प्लेन बंद कर देना है। सिंपली जो चटनी है हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है। इस चटनी को फिर यहाँ पे मिक्स कर देना है। मिक्स कर लिया चटनी मैंने, आप लोग देख सकते हो भी। अभी फ्लेम से वापस फिर से बॉल में रखना है। हम लोग इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे सूखी चटनी पसंद है तो मैं पानी ऐड नहीं कर रहा हूँ। और हम लोगों को हमारे गार्निशिंग के लिए सिंपली ये कटा हुआ भुना हुआ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल और छोटा छोटा कटा हुआ नारियल ऐड करना है। गाइस हम लोग की डिश रेडी है।